तो दोस्तों आज शोभा यात्रा निकली विजयपुर का बिल्कुल रामगढ़ का आंदे हुई तो तुम दिखा दो शोभा यात्रा च इतना साढ़े सरपंच मोनी और जो पूर्व सरपंच वो भी पुजे थे। सरपंच साहब शोभा यात्रा निकली मज़ा आई अज बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया और इन्ना ज़्यादा मज़ा आया कि जियाँ 14 तारीख तुम्हें तो पता कि एक बब्बे शोभा यात्रा जी विजयपुर जी निकली है और बड़ी अच्छी यात्रा निकली जिसे मातृ शक्ति युवा शक्ति और खास बुजुर्ग मतलब सारे जो साथ दे इस शोभा यात्रा लगा अयोध्या बिल्कुल इं लगा सू सारे गया क्योंकि तुम देखा कि सारे युवा की रौनक मातृ शक्ति रौनक इं लगता कि अयोध्या चे फिरा करने अस बिल्कुल केसरिया केसरिया लभ रहा हा और जी झांकी कटी थी प्रभु श्रीराम की मजा आई मजा आई है बहुत सारा और सारा जो मजा देने साड़ी जी इतनी की युवा शक्ति ने नौजवान मुंडे साथी जिन्हें बढ़ चढ़ी संजो ली है इस रैली की जो बब्बे रैली बनाया गया और खास करिए सारे इतने के बाजार के लोगों बड़ा वेलकम और बड़ा स्वागतम किया गया इस रैली का असं धन्यवाद करना पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना कि जिन्हें सानू इस रैली का पर जो बड़ा अच्छा एक रस्ता जो सू चलाया और दिता बिल्कुल बिल्कुल और एस एस पी शाना बिशाना कन्ने खड़ोते रहे सुरेंद्र चौधरी और आ रहे एस एच ओ चाड़क हो रहे सुरजीत सिंह सलाथी और कन्ना आ रहे मोनी हमारे कन्ने उनकी पूरी टीम ही दीपू हो रहे और मेरे पिछले देखा सुगारा और भी खड़ोते रहना सारी टीम मोनी हम बड़ा अच्छा कार्यक्रम इतना होया कि मैं इे बोलगा कि अज अयोध्या के दर्शन हो रहे केसरिया केसरिया लगा रहा लोगों ने एक और गैस कर कि सही मजा आना 22 तरीक जब अयोध्या रामचंद्र जी दरबार का उद्घाटन होना ना वह मजा आना सही तो लोगों ने मेरी ये रिक्वेस्ट है कि घर घर दिए जगाओ तो दिवाली मनाओ तो खुशी मनाओ जय श्री राम जय श्री राम। तो 22 तारीख को आपको पता है कि जो मंदिर का शुभारंभ हो रहा है मैं सभी जैसे हमारा जो आज विजयपुर में जो हमें शोभा यात्रा निकली हुई है और इस रैली में हमारे बहुत बहुत ही ज़्यादा जो मातृ शक्ति थी युवा शक्ति थी और हमारे बुजुर्ग नौजवान सभी साथी आए थे और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जहाँ के जो पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जहाँ पे आके हमारी रैली को जो पूरा रास्ता दिखाया और हमारी जो मातृ शक्ति आई उनका भी धन्यवाद करता हूँ और जहाँ भी जिस तरह से आपको पता है कि जो हमारा जो राम मंदिर 22 तारीख को जो हमारे राम अयोध्या में बना जा रहा है आपको पता है कि हमारे भगवान श्री राम जो थे 500 साल वो टेंट में रहे हम लोग कैसे अपने घर को मतलब थोड़ा सा कहीं से स्क्रैप भी आ जाए तो उसको ठीक कर रहे हैं हम अपने अपने घरों में रहते थे और भगवान का नाम लेके हम अपने भगवान के नाम के लेकर ही हमारे अपने बच्चों का अपने सब का आशीर्वाद मिलता लेकिन जिसका हम आशीर्वाद लेते थे वो जो 500 साल टेंट में रहे लेकिन आज उनका जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है 22 तारीख को मैं सभी मातृ शक्ति से आगे विनती करता हूँ तो नौजवानों से विनती करता हूँ कि कृपया से 22 तारीख को अपने घरों में दीये बत्तियाँ जलाएं और अच्छी दिन और दिवाली की तरह उसको मनाएं इतने कहते हुए जय श्री राम।